बाड़े के नागपुर रोड स्थित चंदन गांव में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें रेत से भरे ओवर लोड डंपर ने 7 लोगों को रोंतू डिवाइडर के पार हो गए, जिससे घटनास्थल पर 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोगों को जिला अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जिसमें एक गंभीर घायल को नागपुर रेफर किया गया है। मौके से ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। सभी गंभीर घायलों का हाल जानने कलेक्टर शीतला पटले और नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो जिला अस्पताल पहुंचे और मृतकों और घायलों के परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बेसिकली हमारे चंदनपुर में जो है वो ट्रक के द्वारा एक हादसा हो गया है, उसमें अनफॉर्चुनेटली 6 लोग जो है अफेक्ट हुए, अनफॉर्चुनेटली 3 लोग की उसमें डेथ हो गई है। 3 लोग अभी हमारे पास हॉस्पिटल में हैं, हमारे डॉक्टर्स लगातार उन पर नज़र बनाए हुए हैं एंड इन 3 लोगों को अच्छे से ध्यान रखा जाए, इस दिख रहे हैं। देखिए, हमें तो अभी सूचना जैसी प्राप्त हुई कि ऐसी घटना हुई, तो हम तुरंत दौड़ते हुए हॉस्पिटल आए और यहाँ पे आकर के पता चला कि 3 लोग नहीं रहे हमारे बीच में। तो पहले तो उनके घर वालों को भगवान शक्ति दे कि एकदम से उनके पहाड़ दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और बाकी जो 3 लोग हैं, पहले हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले उन लोगों को उपचार जैसे अभी एक मतलब जो एक अभी रेफर करें नागपुर, तो उनका अच्छे से अच्छा उपचार हो जाए। 2 लोग और एडमिट हैं, वो ठीक है, लेकिन एक को अभी तुरंत